हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबका एक क्वेरी थी कि ब्लैक पेस्टेड आईसी को कैसे ओपन किया जाता है, तो सबसे पहले हम ये एक टूल यूज़ कर रहे हैं जिसको हम साइड ग्लू कटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड आईसी आप ओपन करते हो तो सबसे पहले इस तरह का जो नोक वाला ये टूल है इसे आप ले लीजिए और SMD कोई भी यूज़ करिए आप, 250 के आसपास हीट रख लीजिए, 857 DW+, और एयर 2 से 3 के बीच में रखिए। और फोर साइड सबसे पहले आपको कंपोनेंट से आईसी को सेपरेट करना है, क्योंकि जब आप ब्लैक प्रेशर आईसी उठाते हो तो साथ ही साथ कंपोनेंट भी आईसी के साथ निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो हमें किसी भी ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, येलो पेस्ट, कोई भी पेस्टेड आईसी हो उसे उठाने से पहले आसपास का ग्लू कट करें। फोर साइड से हम मदरबोर्ड को घुमा घुमा कर साइड ग्लू कट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर हमको आईसी उठानी नहीं आती है ब्लैक पेस्टेड। तो ये वीडियो उन सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है और जो यूट्यूब पर देख रहे हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं उन सब के लिए। तो 250 हीट और एयर 2 से 3, 857 DW+, आहिस्ता आहिस्ता से आपको फोर साइड से ग्लू को कट कर देना है। इस वीडियो में मैंने सारा एसी को ओपन करना, निकालना, क्लीन करना, रिबल करने तक का बताया है प्रोसेस। एक वीडियो अच्छे से देखिए, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कंपोनेंट नियर बाई कंपोनेंट दिखते हैं तो कंपोनेंट्स में से भी आपको ग्लू रिमूव करना है ताकि वो मदरबोर्ड से निकल करके एयर में रहते हैं, वो मतलब बस ग्लू में चिपके हुए रहते हैं, फिर आपका सेट ऑन नहीं होता है, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ से हुई, आईसी तो ख़राब नहीं हो गया है। तो नियर बाई कोई भी कंपोनेंट हो तो उसका ग्लू भी ज़रूर निकालें। सीपीयू के साइड, सीपीयू और एमएमसी के बीच में जो ग्लू है उसे भी रिमूव करेंगे एमएमसी के साइड में, ताकि हम जब एमएमसी उठाएं तो सीपीयू डिस्टर्ब ना हो। तो फोर साइड अच्छे से पहले आपको ग्लू कट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर साइड से हमने यहाँ पर ग्लू अच्छे से कट कर लिया है। वीडियो को स्किप मत करिए, प्रॉपर पूरा देखिए। ये जो हैंडल देख रहे हैं आप, इसे हम सीपीयू लिफ्टर या फिर आईसी लिफ्टर हैंडल कहते हैं। आईसी आपको उठानी है 360 और एयर रहेगा 857 DW+। आईसी को फोर साइड अच्छे से हीट करेंगे और जो आईसी लिफ्टर है ये अपने से ही आहिस्ता आहिस्ता आईसी के अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसको डालते रहना है, और जब अंदर के ग्लू मेल्ट हो जाएंगे, बॉल सारे मेल्ट हो जाएंगे, आईसी आहिस्ता से ये निकल जाएगा। देख सकते हैं सारा ग्लू बोर्ड में रह चुका है, आईसी बहुत आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है आईसी को ओपन करने का, और ये अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी डिटेल में हम इसे सिखाते हैं आपको। जब ऑफ कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो पर्सनल ट्रेनिंग में हम ये सारा चीज़ सिखाते हैं, कैसे आईसी को रिवॉल्व करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे उसे माउंट करना है, कैसे लगाना है, एयर हीट और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन कोर्स में, पर्सनल ट्रेनिंग में, हर एक स्टूडेंट आईसी का काम बहुत आसानी से सीख लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है शुरुआत में, फिर आपका काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आईसी को क्लीन कर लेंगे। तो ये आईसी होल्डर, आईसी लिफ्टर एक पीसीबी होल्डर आता है, इसमें आपको आईसी को फिक्स कर देना है। ज़्यादा टाइट ना करें क्योंकि आईसी आपका बेंड हो सकता है। तो सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे आईसी पर और आयरन की मदद से हम इसे क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स करेंगे, जो हमारा लिड होता है इसको हम ओरिजिनल पीपीटी के साथ मिक्स करेंगे, ताकि बॉल की जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सी नरम हो जाए, आयरन थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो फिर हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बोर्ड में हार्ड पीपीडी लगा हुआ है वो सारा इजीली रिमूव हो जाए, और इसमें ताकत नहीं लगाना है आपको, और आईसी को स्क्रैच नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। नरम हाथों से करना है आपको, जितना निकल रहा है उतना ही निकालना है। उसके बाद हम थिनर से क्लीन करके हम ब्लेड से इसको सारा का सारा क्लीन कर लेंगे आईसी को। देख सकते हैं, एक बार डिसोल्डर वायर भी चला लेंगे। चलिए डिसोल्डर मैंने कर दिया है, अभी क्लीन कर लेंगे आईसी को। और क्लीन करने के बाद
जो ग्लू लगा हुआ है आईसी में, उसको हम ब्लेड की मदद से सारा का सारा रिमूव कर लेंगे। ये स्टेप्स है, प्रोसेस है किसी भी आईसी को क्लीन करने का। हमारा ऑनलाइन का जो कोर्स है अभी 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की 1 ईयर सपोर्ट रहेगा, व्हाट्सएप पे सपोर्ट रहेगा, आपको कॉलिंग सपोर्ट रहेगा, और पूरा एडवांस लेवल पे सारा चीज़ सिखाई जाती है, और प्ले स्टोर एप्लीकेशन आपको मिलेगा, इसमें सारे सेक्शंस का वीडियोस आपको मिलेंगे, और लाइव 10 क्लासेस फ्री मिलेगी जूम मीटिंग के थ्रू। तो बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स होता है जिसमें सारा कुछ होता है, डिटेलिंग के साथ साथ सारे सेक्शंस अवेलेबल है। 4G और 5G हैंडसेट उसमें मिल जाएंगे, 5G सेटों की तक फॉल्ट फाइंडिंग आपको मिल जाएगी। ट्रबल शूटिंग और फॉल्ट फाइंडिंग में ही आप फंस जाते हो, नेटवर्क में फंस जाते हो, रेडियो ऑफ है, रेडियो ऑन है, नो सर्विस है, इमरजेंसी कॉल है। चलिए आईसी को थिनर से साफ कर लेंगे, इसके बाद हम मदरबोर्ड भी साफ कर लेंगे अच्छे से, और मदरबोर्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि सारा ग्लू जो है वो पीसीबी में ही रह चुका है। एसी को अच्छे से साफ कर लेंगे, देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरह से हमने एसी क्लीन कर ली है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, और इसको आप रिवॉल्व भी कर सकते हैं, रिवॉल्विंग के लिए अभी एसी हमारा रेडी है। कहीं पे ग्लू वगैरह दिखे तो उसे आपको क्लीन कर लेना है। रिवॉल्विंग के लिए हम एक स्टेंसिल यूज़ करेंगे और पीपीटी यूज़ करेंगे, 183254 BGA है, 254 जो कि 4G और 5G सेटों में लगती है ये वाली आईसी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेंसिल रखेंगे, उसके बाद PPD अप्लाई करेंगे और आईसी को रिवॉल्व कर लेंगे। 857 DW प्लस मैं यहाँ पे SMD यूज़ कर रहा हूँ, और 183 PPD ट्वीज़र से यहाँ पर हम होल्ड कर लेंगे ताकि आईसी हमारा हिले नहीं, और जो हीट रखेंगे हम यहाँ पर 320 के आसपास, और एयर रखेंगे 203 के आसपास, और इसे रिवॉल्व कर लेंगे, और रिवॉल्व करके हम आपको बताते हैं। और आप इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आपका भी वन टाइम में हर आईसी रिवॉल्विंग सक्सेस हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सोशल मीडिया पे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना है, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट करिए। और अभी न्यू ईयर ऑफर है ऑनलाइन कोर्स के लिए, व्हाट्सअप करिए और डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, कुछ सीखने अगर आपको मिला तो ज़रूर कमेंट करना, और एक वीडियो शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को दूसरे टेक्नीशियन भाई तक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मोबी केयर की पूरी टीम की तरफ से, फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, और हमारे सॉल्यूशंस के वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं इस तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा वेट करना है, मेल्ट रहेगा ये, गर्म रहेगा, जब थोड़ा सा सूख जाए तो आईसी को बाहर निकाल लेना है, निकाल कर थिनर से आप साफ कर लीजिए। तो बॉल कभी कभार हट जाए आसपास, तो एक बार हीट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।